जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे और वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना होता है और उन सभी कमेंटों को जो भी उत्तर बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं शामिल करता हूँ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और इस वीडियो की जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है इसकी लिंक दी जाएगी पीडीएफ की, तो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो कोई भी डाउट लगता है तो क्लियर कर सकते हैं। और रोज रात्रि 12 बजे आपको जो है ये करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है, तो जरूर देखें। और सेल्फ स्टडी क्लासेस में सुमित जैन यूट्यूब चैनल में शाम को 6:30 बजे रोज लाइव क्लास होती है जिसमें करंट अफेयर्स, जीके, हिंदी से संबंधित सभी मिश्रित प्रश्न लिए जाते हैं, तो वो जरूर देखें। हाल ही में किस राज्य द्वारा ज्योतिराव फुल्ले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की गई है, तो आपको बताना है ज्योतिराव फुल्ले किसान ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई है कहां पर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा किसानों के लिए ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की गई है। इसके तहत जिन किसानों ने 2 लाख रुपए का ऋण लिया है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। महाराष्ट्र में यह योजना मार्च 2020 से लागू हो जाएगी। अब दोस्तों बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चनों को हम जानेंगे। नौसेना ने समुद्र के अंदर अपना पहला ड्राई डॉक कहां बनाया, तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई, ठीक है, आपको याद रखना है। किस राज्य ने धुएं से रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर भी आपका होगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये करंट के क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखना है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना की शुरुआत की है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया गया है? जी हाँ दोस्तों, तो किस राज्य में पाया गया है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर होना चाहिए विकल्प नंबर 2, आंध्र प्रदेश में पाया गया है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आंध्र प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा दक्षिण भारत का अब तक का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख पाया गया है। यह संस्कृत शिलालेख आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेवरोडु गांव में खोजा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस शिलालेख से सप्त मातृका के बारे में जानकारी मिलती है। सप्त मातृका हिंदू धर्म में 7 देवियों को कहा जाता है। और अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं यहां से करंट अफेयर्स के। ICC ने किसे पहली महिला रेफरी बनाया है, तो GS लक्ष्मी को बनाया है। और ये कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराने की ताकत हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बन गया, तो ये 4था देश बन गया, ठीक है। यहां पर अंतरिक्ष की बात आई है, तो हमारा अंतरिक्ष स्पेस जो सेंटर है जहां से जो है उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, श्रीहरिकोटा जो है वो कहां पर है, तो वो भी आंध्र प्रदेश में है, याद रख लेना है। शिखर धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसे कि कहा जाता है, तो वो भी आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। और फिलहाल सबसे पुराना, दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख खोजा गया है कहां पर, आंध्र प्रदेश में, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में किसे इस दशक में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी बताया गया? जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में बताया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा मलाला यूसुफजई। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में इस दशक में सबसे विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी बताया है मलाला यूसुफजई को, जो कि पाकिस्तान की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में डिकेट इन रिव्यू रिपोर्ट में पाकिस्तानी शिक्षा कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को मौजूदा दशक की विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी बताया गया है। वर्ष 2014 में मलाला को नोबेल पुरस्कार शांति, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 2014 में मलाला यूसुफजई को मिला था, सम्मानित किया गया था। और वे सबसे कम उम्र में उपलब्धि हासिल करने वाली शख्सियत बनी। गौरतलब है कि मलाला के सिर में तालिबानी आतंकियों ने गोली भी मारी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया। तो आपको पता होनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में इसे जो है
इस दशक में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी बताया गया है, तो याद रखना है मलाला यूसुफजई को। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो प्रश्न है, हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाला रोशनी का त्योहार है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इजराइल, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। हनुक्का फेस्टिवल जो है रोशनी का त्योहार है कहाँ का? इजराइल का है। अब इजराइल की बात आई है तो इजराइल के बारे में भी जानेंगे। इजराइल में मौजूदा यहूदी समुदाय के 8 दिन तक चलने वाले हनुक्का फेस्टिवल की हाल ही में शुरुआत हुई है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत और रोशनी के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। यह इस क्षेत्र में रहने वाले हनुक्का यहूदियों का एक बड़ा त्यौहार है और इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। तो आपको याद रख लेना है इसराइल का कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? हनुक्का, ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रुझान में है और राजधानी जो है यहाँ की जेरूसलम है, याद रख लेना है। और मुद्रा इजरायली नई सेकेल है, राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि हनुक्का जो फेस्टिवल है ये रोशनी का त्यौहार है कहाँ का? इजरायल का है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आपसे बनता है तो जल्दी से उत्तर बताएं, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 कुशीनगर उत्तर प्रदेश, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनी है, तो यह चीज आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश स्थित कुशीनगर जिले में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। यह देश में अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहां थर्ड जेंडर के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसका निर्माण अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तथा PhD तक की उपाधि डिग्री हासिल की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो गोरखपुर में बनेगा। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से करंट का क्वेश्चन है, गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। गोरखपुर की बात आई है तो दोस्तों चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो चोरी चोरा स्थान पर हुआ था, इसलिए उसे चोरी चोरा कांड कहा जाता है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, 1922 में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चोरी चोरा जो स्थल है वो कहाँ है, तो वो भी गोरखपुर में है और जहां पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। बेबी फीडिंग रूम वाला देश का पहला स्मारक कौन सा है, तो वो है ताजमहल, और ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी चीजें करंट से भी आपकी बन सकती है। हाल ही में किस मोबाइल सेवा प्रदाता ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एयरटेल, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। भारतीय एयरटेल द्वारा भारत में वाईफाई कॉलिंग आरंभ की गई, यह सुविधा इस दिशा में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी कैरियर नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसके लिए टॉक टाइम या बैलेंस की आवश्यकता भी नहीं होती। इसके माध्यम से बिना इंटरनेट कनेक्शन के ही व्यक्ति कॉल प्राप्त कर सकेगा तथा उसे किसी अन्य ऐप की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना के तहत सरकार द्वारा मार्च 2020 तक भारत के सभी गांवों को वाईफाई से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो वो योजना कौन सी है जिसके द्वारा 2020 में सभी गांवों को वाईफाई से जोड़ने के जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो वो योजना है दोस्तों भारत नेट योजना, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। दूर संचार और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में घोषणा की कि मार्च 2020 तक सभी गांवों को मुफ्त वाईफाई से जोड़ा जाएगा। भारत नेट योजना के माध्यम से सरकार 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को यह सुविधा देगी। इसके तहत ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्शन को रूट किया जाएगा। यदि यह ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संभव नहीं है तो वायरलेस और सैटेलाइट नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि दूरसंचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो घोषणा की है, कितने गांवों को, ग्राम पंचायतों को वाईफाई से जोड़ा जाएगा, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और आपसे दूरसंचार और आईटी मंत्री पूछा जाता है तो रविशंकर प्रसाद जी हैं और इस योजना का नाम है भारत नेट योजना, ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार किस जिले ने जीता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामारेड्डी, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, कामारेड्डी जिले ने ये पुरस्कार जीता है, यूनिसेफ पुरस्कार। और 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार तेलंगाना के कामारेड्डी जिले ने
जो है यह पुरस्कार जीता। वर्तमान में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रशेखर राव, वह राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदर राजन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और बात आई है यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं एन बेनेमन, तो ये चीज याद रखनी है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की हुई थी, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार गंगा प्रसाद बिमल, हाल ही में खालिस्तान में निधन हो गया। इनका जो गंगा प्रसाद बिमल हैं ये साहित्यकार हैं, और इनका कहां पर निधन हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार गंगा प्रसाद बिमल हाल ही में श्रीलंका में 80 वर्ष की आयु में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। वे लेखक के साथ साथ अनुवादक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर थे, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों श्रीलंका, सॉरी श्रीलंका में इनका जो है निधन हुआ है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इनका सही उत्तर जो गंगा प्रसाद बिमल जी हैं, इनका निधन हुआ है श्रीलंका में, तो याद रख लेना विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, याद रखो श्रीलंका सही है। नेक्स्ट बात करेंगे खादी ग्रामोद्योग आयोग KBIC ने किस स्थान पर 100 किसानों को 1000 वीवाक्स वितरित किए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अगरतला, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा, है ना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग KBIC ने किस स्थान पर जो है, तो अगरतला में 100 किसानों को 1000 वीवाक्स वितरित किए हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग KBIC ने अगरतला में गरीब तबकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 100 किसानों को 1000 बी बॉक्स, 100 बर्तन वालों को 100 पाटरी भील और 100 चमड़े के कारीगरों को 100 लेदर किट प्रदान किए गए। इसके तहत हनी मिशन चमड़े के कारीगरों के सशक्तिकरण तथा कुम्हार सशक्तिकरण मिशन जैसे कार्यक्रमों से लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज के गरीब तबकों को सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी। बात आई है दोस्तों त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में कल्चरल हब बनाया जाएगा, तो कल्चरल हब बनाया जाएगा त्रिपुरा में, ठीक है, इसका उत्तर भी आपका त्रिपुरा होगा। और बात आती है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला स्थित एयरपोर्ट का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट, ठीक है, ये याद रखनी है। किस राज्य के तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य में बिच्छू की नई प्रजाति पाई जाती है, पाई गई है, तो इसका उत्तर भी आपका त्रिपुरा होगा। तो इतने करंट अफेयर से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। और फिलहाल अगरतला में क्या हुआ है कि 100 किसानों को 1000 बी बॉक्स वितरित किए गए हैं, ये चीज याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान 27 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MiG-27, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 27 दिसंबर को हुआ है MiG-27 या MiG-27, ये चीज याद रखनी है। MiG-27 फाइटर जेट को कारगिल युद्ध के नायक के रूप में जाना जाता है, जिसने 27 दिसंबर को जोधपुर से अंतिम उड़ान भरी। यह अपने सेवा काल में भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान रहा है, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपना पराक्रम सिद्ध किया था। स्क्वाड्रन को 31 मार्च 2020 को नंबर प्लेट किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि अपनी सेवाओं से रिटायर हो जाएगा। तो MiG-27 जो है हाल ही में रिटायर किया गया है, तो यह चीज आपको याद रखनी है, जो कि एक फाइटर जेट विमान है। नेक्स्ट बात करेंगे 29 दिसंबर को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 1 हेमंत सोरेन, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, 29 दिसंबर को झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे जो है हेमंत सोरेन, ये चीज आपको याद रखनी है। इससे पहले इन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल का नेता चुना गया था। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं, ये याद रखना है। और झारखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है। जल शक्ति अभियान में किस जिले ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया, तो धनबाद ने किया है जल शक्ति अभियान में। किस राज्य के युवा कवि अनुज लुगुन को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई, तो यहां पर युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो वो झारखंड के अनुज लुगुन को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। भारत के किस एनजीओ को स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड दिया गया है,
तो वो दिया गया है युवा एनजीओ, जो कि कहां से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको एक प्रश्न का उत्तर रोज की तरह कमेंट में बताना है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है। तो ये चार विकल्प है, चार में से एक कमेंट में लिखना है, और नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उस वीडियो में आपके कमेंट जो है शामिल किए जाएंगे। तो रोज की तरह आपको कमेंट में लिखना है, विस्तृत रूप से आपको जानकारी है, तो बहुत सारे लोग विस्तृत रूप से भी लिखते हैं, अच्छा लगता है, अपने को जानकारी होती है, दूसरे लोगों को भी जानकारी होती है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है, साथ ही फेसबुक पेज से आपको जुड़ना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। बहुत सारे लोग टेलीग्राम पर जुड़े हैं, तो ज्वाइन हो जाना है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कमेंट जो पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो कमेंट हैं। सबसे पहले आशीष कुमार जी गुप्ता ने, बहुत बढ़िया आशीष जी, और धर्मेंद्र यादव जी, वेरी गुड। नेक्स्ट जो कमेंट है वो नरेंद्र सिंह जी का है, इन्होंने उदय टू योजना सही बताया है। तो और भी कमेंट जो किए हैं, चंदन विश्वकर्मा जी, इन्होंने भी बहुत विस्तृत रूप से लिखा है। चंदन जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चंदन जी हमेशा लिखते हैं, और चंदन विश्वकर्मा जी। उदय कुमार पाल जी बहुत बढ़िया, इन्होंने पूरा लिखा है उदय टू योजना, और पूरी विस्तृत रूप से लिखा है। उदय जी हमेशा कमेंट करते हैं विस्तृत रूप से, और इन्होंने, इनका नाम भी उदय कुमार है, और जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर भी उदय टू योजना है, तो इन्होंने लिखा है आज तो आपकी वीडियो की टिप्पणी में मेरा ही नाम है। वेरी गुड उदय जी, बिल्कुल छा रहे हैं आप। तो कुलदीप जी, MP पुलिस में क्या पूछा जाता है, जी के बताएं, बिल्कुल बताएंगे, MP पुलिस आने तो दो। रविकांत जी, उदय टू योजना इन्होंने सही बताया। कुलदीप जी बिल्कुल पूरी तैयारी करवाएंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। रईस भाई जी ने, इन्होंने भी सही लिखा है। दीपा सिंह जी ने भी लिखा है, बहुत बढ़िया। राज जी हमेशा कमेंट करते हैं, धन्यवाद राज जी, इन्होंने भी सही उत्तर बताया है। जय सिंह एग्जाम जी, वेरी गुड। कैलाश शर्मा जी, आपको भी धन्यवाद। प्रेम कुमार जी धन्यवाद। मोहम्मद सलीम खान जी, तो बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल, मोहम्मद सलीम जी हैं, जय सिंह जी हैं, राज जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं, विस्तृत रूप से बताते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार से जुड़े रहें। रात्रि 12 बजे आपको रोज वीडियो मिल जाता है, साथ ही PDF भी आपको मिलती है, और टेलीग्राम में भी आपको PDF सेंड करता हूं, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है, और शाम को 6:30 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है, सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में, तो वो जरूर देखें। और 1 तारीख से 9 बजे आपको हिंदी साहित्य की लाइव क्लास मिलेगी सेल्फ स्टडी क्लासेस में, तो वो भी आपको देखनी है, ठीक है, 1 तारीख से रात्रि 9 बजे, तो वो भी, उस क्लास से भी आपको जुड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।